500 के लेवल के आसपास, आज सुबह ये 570 पे था। उस समय चंदन ने यहाँ पर टारगेट दिए थे 610 रुपए तक के, 605-610 के टारगेट के साथ उन्होंने यहाँ पे बने रहने की राय दी थी। और ये स्टॉक आप इस समय देख सकते हैं 592 दिन के हाईस पे जाते जाते, देखिए यहाँ पे अभी भी खरीदारी बदस्तूर जारी है। आशीष माहेश्वरी जी, आपकी राय इस पे लेना चाहेंगे? काफ़ी विवादों में घिरा रहा और पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टॉक भी है, लेकिन कल से इसमें एक रफ्तार पकड़ी है और तब से हमारी नज़र में है, काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी जा रही है। क्या भी हो आपका दिलीप बिल्डकॉन पर? जी जैसा प्रदीप, बाकी स्मॉल कैप मिड कैप के साथ में हो रहा है कि जहाँ जहाँ बहुत पिटाई हो चुकी है स्टॉक्स की, वहाँ अभी एक वैल्यू बाइंग हो रही है। तो ये भी स्टॉक है जो आपको ध्यान हो 1200 रुपये से गिर के शायद 300 समथिंग के आसपास आया और अब रिबाउंड हो रहा है। इसके अलावा इसको एक और पॉजिटिव जो इसके साथ गया है वो है कि इसके जो लास्ट क्वार्टरली नंबर्स थे वो काफ़ी अच्छे थे। यदि आप सेप्टेम्बर में देखें तो शायद 80-82 करोड़ रुपए का मुनाफा था और लास्ट क्वार्टर में 200 करोड़ से ज़्यादा का मुनाफा कंपनी ने अर्जित किया है। तो ये शो कर रहा है कि कंपनी के पास जो बिजनेस है अच्छा, उनके पास में ऑर्डर बुक है और उसके साथ में परफॉर्मेंस भी आ रहा है। तो मेरा मानना है इसके कारण से जहाँ जहाँ जो निवेशक ऊपर के लेवल पे ट्रैप हुए हुए हैं तो उनके बीच में एक दोबारा से कॉन्फिडेंस आ रहा है और वो बाइंग कर रहे हैं। तो यहाँ से मेरा मानना है 100-150 रुपए की एक अपसाइड इसमें अभी भी पॉसिबल है, बाइक किया जा सकता है। अच्छा, आप क्या सिर्फ दिलीप बिल्डकॉन पर एक तेजी की राय दे रहे हैं या फिर आपको NCC जैसे स्टॉक्स, अशोक बिल्डकॉन जैसे स्टॉक्स में भी अच्छे रिटर्न की क्षमता दिख रही है इस समय? आशीष, मेरा मानना है हर्षदा कि थोड़ा सा ये जो एक सेक्टर है वो ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा सेक्टर है, अभी लॉन्ग टर्म निवेश के लिए मेरा मानना है और थोड़ा सा रुकना चाहिए वहाँ पर। मुझे लगता है अभी भी सीमेंट, स्टील जैसे स्टॉक ज़्यादा बेटर स्कोर करेंगे, बट यहाँ पर बिल्कुल जैसे जो फंडामेंटली साउंड कंपनियाँ हैं, जैसे आपने बात किया NCC का है या अशोका बिल्डकॉन है और इनफैक्ट GMR इंफ्रा को भी मैं ऐड करना चाहूँगा, ये दो तीन कंपनियों में मेरा मानना है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप बैट ले सकते हैं। ओके अल्पेश, आपको जोड़ना चाहते हैं इस पर? फिर देखिए, चार्ट पे एक चीज़ आपको बहुत समझनी होती है कि जब लोअर लेवल पे अगर आपके वॉल्यूम्स बढ़ते हैं तो एक पॉजिटिव साइंस होती है, लेकिन एक अच्छी खासी मूव आने के बाद की बात कर रहे हैं, वो चार्ट पहले स्क्रीन पे लाइए डायरेक्टर साहब। एक अच्छी खासी मूव के बाद में जब हायर लेवल्स पे वॉल्यूम बढ़ते हैं तो फिर वो कॉशन की साइन होती है। मैं समझता हूँ यहाँ पे 600 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस होना चाहिए। नो डाउट ये कंपनी, ये स्टॉक पॉलिटिकली थोड़ा कनेक्टेड है तो यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंडिकेशन भी आपको ये दे रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि 600 के पास से ये स्टॉक में एक बारी के लिए थोड़ा कूल ऑफ हो सकता है और करीबन आपको 80-100 रुपये तक का एक करेक्शन दिखती है। 500 रुपये का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आप ये स्टॉक्स को मिलना चाहिए। इस यहाँ पे अगर आप इसको बाई करते हैं, थोड़ा मैं स्टॉप लॉस आपको बढ़ा दूंगा, 450 के नीचे का स्टॉप लगाइए। मुझे लगता है उसके बाद में ये 600 भी निकलेगा और स्टॉक पर पूरी क्षमता 800 से 850 तक के लेवल आ सकते हैं। तो 1200 के हाइस थे, अब वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे अगर लौटेगा लोगों का कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला कोई मामला नहीं है यहाँ पे और अगर खबरें अच्छी रही तो ये जा सकता है, लेकिन फिलहाल जो कल से हमने दो दिनों का अगर आप वॉल्यूम देखा तो बहुत ही बड़ा वॉल्यूम है, तो ये थोड़ा क्वेश्चन हमको बता रहा है, तो आप वहाँ पर मुनाफा लेने की राय? डेफिनेटली। ठीक है, तो ये बात इन इंफ्रा कंपनियों की हुई, लेकिन अब बात करते हैं IT की दिग्गज कंपनी और बेलवेदर